असलम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजिद तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर और हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के थ्री मेथड्स होते हैं बाय फैक्ट्राइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने फर्स्ट टू मैथड्स कम्प्लीट कर लिए हैं आज हम लास्ट मैथड कम्प्लीट करेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो तो अभी तो मैंने इसको सिंपल तरीके से किया है कि अगर हम इसको सिंपल जो हम रूल अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन का अगर उससे सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है यहाँ पे नाइन का नाइन थ्री का स्क्वायर होता है मैंने नाइन को खोल के थ्री का स्क्वायर लिख दिया अब ये जो फार्मूला है ये हमारे पास है ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जिसमें हम लोग एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं दोनों वैल्यूज़ को तो मैंने भी ऐसे ही कियार माइनस थ्री स्क्वायर को एक दफा प्लस के साथ लिखा एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री को जब हमने जीरो के इक्वल पुट किया तो माइनस थ्री आ गया और एक्स माइनस थ्री को जब जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स प्लस थ्री तो यहाँ पे सोलूशन सेट बन गया माइनस थ्री एंड प्लस थ्री बट ये जो क्वेश्चंस uh, हैं इनमें हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि हमने इनको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है तो अगर हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए ये आप लोगों ने याद कर लेना है क्योंकि इन इस क्वेश्चन में भी और नेक्स्ट हमारी जो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है बल्कि सेकेंड चैप्टर में भी ये यूज़ होने वाला है तो ये फार्मूला अब आप आपने अच्छे से याद कर लेना है अब इसी क्वेश्चन नंबर वन को मैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी अब अगर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर भी है और कॉन्स्टेंट भी है बट हमारे पास एक्स नहीं है मिड टर्म नहीं है ठीक है तो मिड टर्म बनाने के लिए हमने सपोज कर लिया अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे ज़ीरो एक्स है अब हम कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो यहाँ पे एक की जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो हम सपोज करते हैं माना जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो हम वन सपोज करते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई वन ठीक है अब यहाँ पे बी एक्स के साथ अगर हम लोग देखें एक्स के साथ बी है तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या आ रहा है जीरो तो बी इक्वल्स टू जीरो बाय कंपेयरिंग और यहाँ पे सी के सी की जगह पे क्या आ रहा है माइनस नाइन तो सी की वैल्यू आ गई माइनस नाइन अब ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई है अब हमें फार्मूला पता है फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए जहाँ पे बी है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जीरो जहाँ पे ए है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी वन जहाँ पे सी है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस नाइन अब यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे ज़ीरो स्क्वायर है अब जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ से यहाँ से ज़ीरो स्किप हो गया यहाँ पे ज़ीरो का स्क्वायर लिया तो जीरो आ गया उसको भी हमने स्किप कर दिया अब यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ है इनको हमने सॉल्व करना है माइनस माइनस हो गया प्लस अब फोर वन ज़ा फोर और फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स तो ये हमारे पास आ गया थर्टी सिक्स अब यहाँ पर टू के ऊपर तो अंडे रूट नहीं नीचे टू टू ए था तो ए की जगह पे हमने वन पुट कर दिया टू वन जॉ टू यहाँ पे थर्टी सिक्स होता है सिक्स का स्क्वायर तो हमने सिक्स का स्क्वायर लिखा थर्टी सिक्स को ओपन करके स्क्वायर जो है वो अंडे रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया सिक्स ओवर टू अब यहाँ पे कटिंग होती है टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस थ्री एंड माइनस थ्री सेम एज इट इज़ अगर हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व करते हैं बाई फेक्ट्राइजेशन तो तब भी हमारे पास यही आंसर आता है लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि हमने क्वाटेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो उसको यूज़ करके हमने आंसर वही निकाला है सोल्यूशन सेट बन गया थ्री एंड माइनस थ्री अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो अब वैसे ही हमने बाय कंपेयरिंग अब कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए कहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए की जगह पे टू ठीक है यहाँ पे ये यह आ गया बाई कम्पेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें जहाँ पे ए है वहाँ पे आ गया टू जहाँ पे बी है वहाँ पे आ गया फाइव जहाँ पे सी है वहाँ पे आ गया वन ठीक है अब ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं हमें फार्मूला पता है माइनस बी प्लस माइनस हंड्रूड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए तो जहाँ पे बी है वहाँ पे हमने लिख दिया फाइव माइनस साइड पे एज इट इज़ चल रहा है प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे फाइव का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पे टू सी की जगह पे वन नीचे टू एज इट इज़ और ए की जगह पे टू आ गया अब अंदर हमने स्क्वायर खोला तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और फोर को जब टू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एट अब ट्वेंटी फाइव में से एट को माइनस किया तो हमारे पास आ गया सेवनटीन अब ना तो सेवनटीन किसी टेबल में आता है बिकॉज सेवनटीन प्राइम नंबर है तो हम इसकी फैक्ट्राइजेशन नहीं कर सकते और ना ही अंडर रूट से बाहर आ सकेगा तो एज़ इट इज़ हमने एक दफ़ा इसी वैल्यू को प्लस के साथ लिख दिया है क्योंकि प्लस माइनस है तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया माइनस फाइव प्लस अंडर रूट सेवनटीन बाई फोर एंड माइनस फाइव माइनस अंडर रूट सेवनटीन बाई फोर अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट थ्री है एक्स स्क्वायर माइनस टू ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर ये भी क्वालिटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है हम डायरेक्ट ही करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ एक ही जगह पे आ गया वन बी की जगह पे आ गया माइनस ट्वेंटी थ्री एंड सी की जगह पे आ गया माइनस ट्वेंटी फोर हमने क्वालिटी इक्वेशन में पुटिंग की जहाँ पे बी है वहाँ पे पुट कर दिया माइनस ट्वेंटी थ्री जहाँ पे बी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर ए की जगह पे वन एंड सी की जगह पे माइनस ट्वेंटी फोर नीचे टू एज इट इज़ एंड ए की जगह पे आ गया वन अब हमने ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर खोला माइनस ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर तो हमारे पास आया फाइव ट्वेंटी नाइन और जब हमने माइनस फोर को माइनस ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया प्लस नाइन्टी सिक्स इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आया सिक्स ट्वेंटी फ़ाइव अब सिक्स ट्वेंटी फ़ाइव का हमने ले लेना है एल सी एम जब एल सी एम लिया तो ये बना फाइव फाइव फोर टाइम्स फ़ाइव तो फोर टाइम्स फ़ाइव को क्योंकि बाहर हमारे पास अंडर रूट स्क्वायर uh, है तो इस स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू होती है वन बाई टू तो हमने अंदर भी कोशिश करनी है कि हमारे पास जो फैक्टर्स बने उनकी पावर टू हो तो यहाँ पे फोर है तो हम दो एक एक पेयर करके ले लेंगे फाइव का स्क्वायर एंड फाइव का स्क्वायर अब स्क्वायर जो है अंडर रूट को ख़त्म करके बाहर आ गया दो फाइव फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ट्वेंटी फाइव अब प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज़ हैं तो हमने इनको सेपरेट करना है सेपरेट करने से हमारे पास एक थी दो वैल्यूज आती हैं x इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव बाई टू एंड एक्स 23 टू ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू जब प्लस किया तो 48 एट बाई टू हो गया टू की टू से कटिंग की तो टू ट्वेंटी फोर जा फोर्टी एट तो x की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फोर यहाँ पे ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी थ्री माइनस किए तो माइनस टू आ गया और कटिंग करने से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस वन दो रूट्स हैं तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना ट्वेंटी फोर एंड माइनस वन नेक्स्ट हमारे पास पार्ट फोर है यहाँ पे अब स्क्वायर आ गया होल स्क्वायर तो हमने फार्मूला ओपन करना है इस साइड पे हम प्लस का ओपन करेंगे इस साइड पे हम माइनस का ओपन करेंगे प्लस का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब इसको सॉल्व करते हैं बाय बाई ओपनिंग फार्मूला जहाँ पे ए है वहाँ पे अब एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू हमारे पास फार्मूले वाला यूज़ हुआ है एक ही जगह पे हमने लिखा एक्स और वन हमने नहीं लिखा क्योंकि वन को इससे मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आ जाती है मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया और वन का स्क्वायर वन होता है तो वन एज इट इज़ आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे टू एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस का फार्मूला ओपन होगा अब ये फार्मूले वाला टू आ गया यहाँ पर ये आ गया एक की वैल्यू टू एक्स और बी की वैल्यू यहाँ पे वन है और प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है तो यहाँ पर वन आ गया अब हमने टू एक्स का स्क्वायर ओपन किया ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की टू टू जै फोर फोर एक्स हो गया और फोर एक्स को जब वन से किया तो वन आ गया प्लस वन अब हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को एक्स स्क्वायर के साथ ले जाना है यहाँ फोर एक्स प्लस हो रहा था यहाँ आके माइनस हो गया अब टू एक्स के साथ यहाँ पे ये फोर एक्स माइनस हो रहा था इस साइड पे इक्वल के साइड आया तो ये हो गया प्लस फोर एक्स और इस वन के साथ हमने लिख दिया माइनस वन क्योंकि ये वन यहाँ प्लस हो रहा था यहाँ आके हो गया माइनस वन और इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमारे पास हमेशा जरूरी जीरो होना चाहिए अब हमने इन दोनों को माइनस किया तो ये बना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इन दोनों को प्लस किया तो सिक्स एक्स और इन दोनों को माइनस किया तो ज़ीरो अब हमने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए और थ्री भी हमने कॉमन ले लिया क्योंकि इन दोनों में थ्री आ रहा है जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है इन दोनों में थ्री आ रहा है तो मैंने माइनस थ्री कॉमन ले लिया माइनस थ्री बाहर निकालने से एक्स स्क्वायर सिंगल हो गया माइनस अब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन भी चेंज हुआ है वहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो गया अब थ्री बायर हमने लिया तो थ्री टू सा सिक्स होता है तो यहाँ आ गया टू एक्स और प्लस जीरो इक्वल टू जीरो अब हमारे पास इसकी जो फॉर्म बनी है वो बनी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस जीरो इक्ल्स टू जीरो अब जीरो मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब हम कंपेयर करें तो हमें पता हो कॉन्सटेंट की जगह पर क्या है वरना जीरो लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे बाय कंपेयरिंग विद एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तो ए की जगह पे आ गया वन अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो वन है बी की जगह पे आ गया माइनस टू एंड सी की जगह पे आ गया ज़ीरो अब हमने फार्मूले में पुट इन की जहाँ पे बी था वहाँ माइनस टू पुट कर दिया माइनस टू स्क्वायर हो गया और जहाँ पे ए था वहाँ पे आ गया वन और सी की जगह पे आ गया जीरो नीचे तू, तू के टू ए था तो ए की जगह पे आ गया वन अब यहाँ पे फोर वन जो फोर और जब जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई और इस साइड पे माइनस टू का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये हो गया फोर तो ये वाली वैल्यू तो पूरी जीरो हो गई थी तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया ठीक है यहाँ पे सिर्फ बच गया अंडर रूट फोर जब फोर का अंडर रूट लिया तो हमारे पास फोर होता है टू का स्क्वायर तो टू इस अंडर रूट टू स्क्वायर हो गया टू जो है वो स्क्वायर को ख़त्म करके बाहर आ गया अब हमारे पास फिर से प्लस माइनस वाली दो वैल्यूज़ बनी है तो यहाँ पे एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिखा एक दफ़ा माइनस के साथ मैंने प्लस के साथ बाद में लिख दिया बाय मिस्टेक तो यहाँ पे हमने आप पहले लिखे बाद में लिखे कोई बड़ा इशू नहीं है तो पहले माइनस वाला मैंने लिख दिया बाद में प्लस वाला लिख दिया प्लस टू माइनस टू, टू इक्वल्स टू जीरो बाई टू जीरो किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो ज़ीरो आ जाता है यहाँ पे टू प्लस टू हमारे पास फोर बाई टू तो हमारे पास आंसर आ गया टू एक्स के दो रूट्स बने सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू जीरो एंड प्लस टू अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट फाइव यहाँ पे हम हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं तो फ्रैक्शंस में हमने क्या करना होता है हमेशा एलसीएम लेना होता है तो टू थ्रीजा हो गया हमारे पास सिक्स अब टू को जब हमने सिक्स पे डिवाइड किया तो आ गया थ्री और थ्री को हमने ऊपर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है सेम एज इट इज़ यहाँ पे सिक्स को जब थ्री पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया टू और टू को हमने इस ऊपर वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है अब एलसीएम लेने के बहुत सारे मैथड्स हैं आप जिस भी मैथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा अब नेक्स्ट है थ्री को, 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 तो को, को, तो को जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स थ्री को जब वन से मल्टीप्लाई किया आ गया थ्री अब माइनस टू एक्स को अब माइनस का साइन है तो हमें ध्यान से सॉल्व करना होगा माइनस को भी साथ लेके चलना है टू एक्स को जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स स्क्वायर फिर माइनस टू एक्स को जब हमने प्लस टू टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस फोर एक्स ठीक है अब यहाँ पे सिक्स डिवाइड हो रहा था यहाँ आके जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ तो ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से सिक्स हो गया वैनिश अब नेक्स्ट हमारे पास मैंने क्या किया है कि की वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया एक्स स्क्वायर को सेपरेट एंड कॉन्स्टेंट को सेपरेट यहाँ पे मैंने सीक्वेंस देख के लिखा माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया अब माइनस फोर में से जब हमने थ्री को माइनस किया तो ये बना माइनस एक्स क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और यहाँ पे जो है वो थ्री एज इट इज़ चल रहा है अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉम्फिशेंट है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस हमने कॉमन ले लिया माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन भी चेंज हुए हैं जो प्लस था वो माइनस जो माइनस था वो प्लस हो गया जो प्लस था वो माइनस हो गया ये माइनस यहाँ आके ज़ीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़ीरो के साथ कोई साइन ही नहीं होता तो ये भी वैनिश हो गया अब हमारे पास जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है वो बनी है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो अब हमने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ यहाँ पे ए की जगह पे आ गया टू बी की जगह पे आ गया वन एंड सी की जगह पे आ गया माइनस थ्री अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है इसमें वैल्यूज पुट की बी की जगह पे माइनस वन सॉरी बी की जगह पे वन फिर वन का स्क्वायर माइनस फोर फार्मूले वाला है और एक की जगह पे टू बी सी की जगह पे माइनस थ्री नीचे भी टू और एक की जगह पे साथ में टू वन का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया वन और फोर को जब हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर टू सा एट एंड एट को जब थ्री से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ट्वेंटी फोर अब वन प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हमें पता है फाइव का स्क्वायर होता है जब स्क्वायर अंडर रूट से खत्म किया तो हमारे पास बाहर आ गया फाइव अब हमने एक दफा इसको प्लस के साथ लिख दिया एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ लिख दिया प्लस के साथ जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना फोर बाई टू और जब माइनस के साथ सॉल्व किया तो ये बना माइनस सिक्स बाई टू अब टू से कटिंग की तो ये आ गया टू वन जा टू 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 ज़ा फोर तो एक्स की वैल्यू एक टू आ गई यहाँ पे टू से कटिंग की तो टू वन जा टू टू थ्री ज़ा सिक्स तो ये माइनस का साइन साथ चल रहा है तो एक्स इक्ल टू माइनस थ्री और हमारे पास सोलूशन सेट आ गया टू एंड माइनस थ्री अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का x माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स एंड टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन अब बाय एल्जब्रिक रूल्स हमारे पास क्या होता है कि दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम Uh, पहले फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं पहले एक्स को हमने एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस टू को एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करना है सेम एज इट इज यहाँ पे टू एक्स को पहले एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है फिर वन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने से एक्स को जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया ये बन गया एक्स स्क्वायर एक्स को जब हमने सिक्स से किया तो ये बन गया माइनस सिक्स एक्स फिर हमने टू को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस टू एक्स फिर टू को जब हमने सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो टू के साथ भी माइनस था और सिक्स के साथ भी माइनस है तो ये बन गया प्लस ट्वेल्व अब इस साइड पे हमारे पास 2x को जब हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना टू एक्स स्क्वायर टू को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x एक्स यहाँ पर वन को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो, तो, तो वन आ गया ठीक है अब यहाँ पे इनको हमने सॉल्व किया x की वैल्यूज जो हैं इनको आपस में हम लोगों ने प्लस किया माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू का योग माइनस एट एस और ट्वेल्व और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है इस साइड पर भी हमने एक्स की वैल्यूज़ को प्लस किया तो ये हो गया थ्री एक्स अब फिर हमने वही काम करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस राइट हैंड साइड पे जीरो होना चाहिए अब एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज जो हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ ले आई तो ये यह होगी यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मैंने इसको लिख दिया अब एक्स की वैल्यू जब यहाँ आएगी तो ये होगा माइनस थ्री एक्स इसको मैंने एट एक्स के साथ लिख दिया और ट्वेल्व के साथ मैंने लिख दिया वन को वन यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ आके हो गया माइनस अब इनको हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर में से टू एक्स को माइनस किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स एंड माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस इलेवन एंड ट्वेल्व में से जब हमने वन को माइनस किया तो इलेवन आ गया अब यहाँ पे भी हमने माइनस क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया अंदर साइन चेंज हो गई ये माइनस था ये प्लस ये प्लस था ये माइनस तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस इलेवन अब बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तो ए की जगह पे आ गया वन बी की जगह पे इलेवन सी की जगह पे माइनस इलेवन इन फार्मूला हमें पता है फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की तो इलेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस इलेवन ओवर टू इंटू वन जब इनको सॉल्व किया इलेवन का स्क्वायर आ गया वन ट्वेंटी वन और फोर को जब माइनस फोर को जब हमने माइनस इलेवन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस फोर्टी फोर अब वन ट्वेंटी वन में फोर्टी फोर प्लस करने से आता है वन सिक्सटी फाइव अब अगर हम वन सिक्सटी फाइव का एलसीएम लेते हैं तो ये तीन सेपरेट वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम वन सिक्सटी फाइव को ओपन नहीं करेंगे हम डायरेक्ट इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास एक दो, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ दो रूट्स आए हैं तो सोल्यूशन सेट हमने बना के लिख दिया तो यहाँ पे तक हमारी एक्सरसाइज़ वन पॉइंट वन आज कंप्लीट हो गई आई होप कि आप सबको समझ आई होगी तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज़ वन पॉइंट टू शेयर करूँगी इन शाला जल्द ही और आप मेरे चैनल को लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ अच्छी लगें तो कमेंट भी लाजमी की, कीजिएगा ओके अल्लाह हाफिज़